गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 14th ऑफ फरवरी. सो ऑन द फर्स्ट पेज देयर आर फ्यू न्यूज़ व्हिच आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट न्यूज़ इज टॉप कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल. सो इस न्यूज़ को हम समझते हैं बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, और उसके पहले समझते हैं डिलिमिटेशन क्या होता है. डिलिमिटेशन इज बेसिकली डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज. दैट मीन्स कि जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कि आर्टिकल 370 और 35A का जब एब्रोगेशन हुआ था ऑन 5th ऑफ अगस्त 2019, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे. तो अभी यहाँ पर करंटली अगर हम स्थिति देखते हैं तो जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जम्मू कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी विद ए लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा हम दिल्ली को देखते हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होते हैं. इन द सेम वे लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी. सो क्या हुआ, पिछले कुछ समय 2020 में हमने देखा था एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड यहाँ पे फॉर्मर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई जी उसको हेड कर रहे थे, और उसके तहत क्या हुआ था यहाँ पे कि प्रॉपर डिमार्केशन हुआ था थ्रू डिलिमिटेशन. जो हमारा 2001 का सेंसस है उसके बेसिस पे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव सीट्स है उसमें चेंजेस किए गए. अब क्या चेंजेस किए गए, पहले जम्मू रीजन में अगर मैं बात करता हूँ 37 लेजिस्लेटिव सीट्स हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 43 सीट्स कर दिया गया. इन द सेम वे कश्मीर की अगर बात करते हैं जहाँ पहले 46 सीट्स हुआ करती थी, उसको एक सीट बढ़ा के 47 सीट्स कर दिया गया. जैसे यहाँ पर ये डिसीजन आया तो कुछ लोगों ने बहुत इसको प्रोटेस्ट किया. इवन जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर की, उनका ऐसा मानना था कि ये डिसीजन बिल्कुल गलत है और ये हमारे खिलाफ है. और बीजेपी इस तरीके ये जानबूझ के करी क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में जम्मू रीजन में ज़्यादा सीट्स को बढ़ाना, कश्मीर में इतनी सीट्स नहीं बढ़ाई, इसी वजह से इशू है. तो उसके बाद क्या हुआ, देयर सर्टन पर्सन जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे पिटिशन फाइल करी. इनका नाम दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट द पिटिशन वॉज फाइल्ड बाय श्रीनगर रेसिडेंट हाजी अब्दुल गनी खान एंड डॉक्टर मोहम्मद अयूब माटू. इनका क्या मानना था कि ये जो डिलिमिटेशन हुआ है इसमें क्या किया गया, गलत तरीके से यहाँ पर डिमार्केशन हुआ है और उसकी वजह से ये बीजेपी को अल्टीमेटली आने वाले चुनाव में बेनिफिट यहाँ पर पहुँचा सकता है. इसी वजह से अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जब कुछ लोगों ने यहाँ पर रिट पिटिशन यहाँ पर फाइल करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली यहाँ पर इस चीज़ को अपहोल्ड कर दिया और बोला कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन हुआ है वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस यहाँ पर नहीं किया जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट दिस होल न्यूज़ कि बेसिकली हमने यहाँ पे समझा कि व्हाट इज डिलिमिटेशन और किस तरीके से इसका बेनिफिट यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. सेकंड न्यूज़ एट द सेंटर, व्हाट द न्यूज़ सेज, अडानी केस सेंटर हैज नो ऑब्जेक्शन टू सुप्रीम कोर्ट पैनल. सो यहाँ पे बात हो रही है दैट इज अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में जो इशू चल रहा है. बेसिकली इस इशू को हमने हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि एक हिंडनबर्ग जो है दैट इज बेसिकली रिसर्च कंपनी जो शॉर्ट सेलिंग का बिजनेस करती है और कहाँ की है, न्यूयॉर्क की है. 2017 में आई थी, रिसेंट कंपनी है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, बट उन्होंने ये बताया कि हमने लगभग 2 साल तक की रिसर्च करी है और उस 2 साल की रिसर्च हमने अडानी ग्रुप के ऊपर करी तो हमें 3 चीज़ें सबसे बड़ी पता चली. हालांकि उनके एलिगेशन काफ़ी सारे हैं बट 3 सबसे बड़े एलिगेशन यहाँ पे लगाए गए. उसमें पहला एलिगेशन ये था कि अडानी ग्रुप ने क्या किया, अपने खुद के जो शेयर मार्केट के जो प्राइस है उसको इन्फ्लेट किया है. किस तरीके से इन्फ्लेट किया है, अगर हम अप्रैल 2020 की बात करते हैं जब अडानी ग्रुप का जो शेयर, अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर है उसकी लगभग कीमत 100 से 150 रुपए के बीच में थी, और वही आज हम अगर बात करते हैं लगभग हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के पहले, तो उनके शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो लगभग 4000 तक पहुंच के 3500 चल रही थी. तो ऐसे में आपका अगर शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है, बट क्या इतना इंक्रीज हो सकता है कि 100-150 का शेयर आपका सीधा 3500-4000 तक पहुंच जाए. ये पहला एलिगेशन था. सेकंड एलिगेशन ये था कि अडानी ग्रुप की लगभग 22 जो कंपनीज है उसमें 8 कंपनीज ऐसी है जहां पे अडानी ग्रुप के ही जो लोग हैं, मतलब उनकी फैमिली के लोग, उनके रिलेटिव्स, वो टॉप मोस्ट पोजिशन पर बैठे. और तीसरा ऐसा एलिगेशन लगा कि अडानी ग्रुप ने यहाँ पे इंडिया में टैक्स चोरी किया, टैक्स इवेजन किया, और अपने जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे सेटअप किए, टैक्स हेवन कंट्रीज में. टैक्स हेवन कंट्रीज वैसी कंट्रीज होती है जहाँ पे या तो बिल्कुल जीरो टैक्स लगता है या फिर बहुत मिनिमल टैक्स लगता है, जैसे मॉरिशस हो गया, दुबई हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया. तो ऐसे काफ़ी सारे आइलैंड्स ऐसे रहते हैं जो जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के आप देखोगे वहाँ पे हेडक्वार्टर सेटअप होते हैं. अब जैसे यहाँ पर एलिगेशन आते हैं तो एकदम से शेयर मार्केट, क्योंकि मार्केट बेसिकली सेंटीमेंट पे चलता है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पे शेयर मार्केट में अडानी एंटरप्राइज के शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुई. और क्योंकि यहाँ पर अडानी ग्रुप ने बाद में स्टेटमेंट जारी किया, अडानी ग्रुप ने बोला कि ये बेसिकली हमारे इंटरेस्ट में नहीं था, बेसिकली हमारी जो इमेज है इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है इसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, अडानी एंटरप्राइजेस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, और इवन हम एक बहुत बड़ा FPO लाना चाहते थे. FPO का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर,
किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो उस कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो शेयर्स इशू करने में दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, फर्स्ट इज आईपीओ एंड सेकंड इज एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट मींस कोई कंपनी अगर पहली बार शेयर्स इशू करती है और उसको पैसा मिलता है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। बट अडानी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी मार्केट में है, उन्होंने पहले भी पैसा यहाँ मार्केट से लिया है, तो वो आईपीओ तो उनका हो चुका है। बट सेकंड टाइम या उसके बाद में अगर कोई कंपनी पैसा इशू करती है तो उसको हम एफपीओ बोलते हैं, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो अडानी ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट, दैट इज 20,000 करोड़ का एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यहाँ पे लाना चाहते थे, और उसके बाद ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर हुई। उसके बाद उन्होंने वापस से ले लिया, कुछ रेटिंग्स थी उन्होंने जो अपने नाम है उससे वापस ले लिए, जैसे क्रेडिट स्विस की बात है या डाउ जोन्स की मैं बात करता हूँ। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने देखा जो अपोजिशन है वो, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा बजट सेशन चल रहा था, उसके बाद अपोजिशन का मानना था, जो कांग्रेस के लीडर है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर लोकसभा में अपनी बात रखी, राज्यसभा में बाकी सारे लीडर्स का ये मानना था कि ये यहाँ पे अडानी ग्रुप को ये जो बीजेपी सरकार है ये बचाने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए एक जेपीसी का फॉर्मेशन होना चाहिए। जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो पूरा उसको ओवरलुक करे कि बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन क्या है। बट यहाँ पर अभी अल्टीमेटली हुआ क्या है कि सरकार ने, सरकार की तरफ से जो उनका पक्ष रख रहे थे, दैट इज तुषार मेहता जी जो सॉलिसिटर जनरल है, उनका ऐसा मानना है कि हम तैयार है इस चीज़ के लिए कि एक कमेटी बने, और सेबी की भी बात उन्होंने रखी कि एक प्रॉपर कमेटी बने, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि वो कमेटी में जो लोग रहे या जो बेसिकली उस कमेटी को हेड करें उनका अगर हम रेकमेंड करें तो वो बेटर रहेगा। हालांकि ये पब्लिकली हम उसको अनाउंस नहीं करेंगे, एक सील्ड एनवलप में आपको उनका नाम दे देंगे और वो प्रॉपर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो लोग डिजर्विंग है उनको वहाँ पर उस कमेटी में रखा जाएगा, और वो लोग क्या करेंगे बेसिकली इस पूरी इसका स्क्रूटिनी करेंगे, क्योंकि ऐसे में इन जनरल उनका नाम बाहर लाना अल्टीमेटली उससे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है हमारे देश के और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट यहां पे आ सकता है। तो ये बेसिकली पूरा इशू था, हमने पूरा इशू समझा कि बेसिकली अडानी केस में भी क्या हुआ है, और सेंटर ने बोल दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करें, एक पूरा पैनल यहां पे बना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वी कैन स्किप, दिस इज द सिटी पार्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट द न्यूज इज, वन सेकेंड, एरो इंडिया एक्सपो शोकेसेस इंडिया सेल्फ कॉन्फिडेंस सेट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो जिस तरीके से अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हम हर सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इवन अब तो हमने डिफेंस के जो इम्पोर्ट्स है उसमें भी एक कमी लाई है, क्योंकि अब हम खुद यहाँ पर डोमेस्टिक काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं, मैनुफैक्चर कर रहे हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत। हमने देखा जिस तरीके से ब्रह्मोस एक्सपोर्ट हमने फिलीपींस से हमने पहला ऑर्डर देखा, देन तेजस हमारा आया, देन प्रचंडा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद यहाँ पर बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या किया गया, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरीके का जो एरो एक्सपो है यहां पर हुआ है, और ये जो है लगभग 6 दिन के लिए रहेगा। 13th of February को स्टार्ट हुआ है, 18th of February को यहां पर होगा, और ये बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु के पास में एक पूरा यहां पर एक जगह है जिसको येलहंका कहा जाता है, येलहंका एयरफोर्स यहाँ पे, एज दिस इज मेंशनड हियर। सो यहाँ पे एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है श्री बसवराज भी मुंबई, तो वो सब लोग वहाँ पे। अब उन्होंने उनके एड्रेस में क्या बोला कि बेसिकली यहाँ पर लगभग 98 कंट्रीज यहाँ पर आने वाली है, और अलग अलग देशों के लगभग 29 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स यहाँ पे आने वाले हैं, और काफ़ी सारे लोग अपने फाइटर जेट्स यहाँ पे लाएंगे, तो उससे अल्टीमेटली इंडिया की और इवन इंडिया की जो फाइटर जेट्स है, इंडिया की जो डिफेंस में हम जो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं, उन सबका ना केवल शोकेस होगा क्योंकि एक्सपो है तो वहाँ पे होंगे, बट इवन वहाँ पे उनका डेमो भी होगा, दैट मीन्स उनको फ्लाई करके भी यहाँ पे बताया जाएगा। सो इससे दैट बेसिकली इज़ ए सिग्नल कि इंडिया किस तरीके से डिफेंस में बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहा है। एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, जैसा मैंने बताया कि एक्सपो हो रहा है, 1996 में हमने स्टार्ट किया था, और हर 2 साल में इस तरीके के एक्सपो यहाँ पे होते हैं। तो अभी ये जो एडिशन था ये 14th edition था, जिसमें यहाँ पर ये 6 दिन के लिए पूरा इवेंट यहाँ पे रखा गया अबाउट दिस एरो इंडिया एक्सपो। सो एज दिस हैज बीन मेंशनड दैट दिस ईयर्स एग्जीबिशन बेंगलुरु हैज द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 80 कंट्रीज अलॉन्ग विद 800 डिफेंस फर्म्स विच कंप्राइज ऑफ अराउंड 100 फॉरेन 700 इंडियन कंपनीज। तो इतने लोग यहाँ पे आने और ऐसा अनुमान है लगभग सभी जगह से, अगर हम देखें इंडियन फॉरेन से, 500,000 लोग यहाँ पे लिटरली यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली डिफेंस में हमारा और कहीं ना कहीं एक दबदबा यहाँ पर होगा, तो बहुत अच्छी बात है। देन टुडे विल बी डिस्कसिंग 1 editorial and 2 opinions. So what the title of the first editorial says, House Rules and the Weapon of Expansion.
सो यहाँ पे ऑर्डर ने बात की है कि बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें, जहाँ पे लोकसभा के जो स्पीकर हमारे ओम बिरला जी, और राज्यसभा की अगर बात करता हूँ तो जो चेयरमैन है और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री जगदीप धनखड़ जी। रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ समय में हमने देखा कि स्पेशली बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में श्री राहुल गांधी जी ने कुछ एलिगेशन लगाए ऑन द गवर्नमेंट कुछ मिनिस्टर्स पे, और इवन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर भी, जो राज्यसभा के मेंबर है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर का ये कंसर्न है कि पिछले कुछ समय से हम ऐसा देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं या स्पेशली अपोजिशन अगर कुछ बोलना चाहता है तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही, और उनके जो वर्ड्स हैं उनको वहाँ पर सदन की जो कार्यशैली है मतलब उस पटल से हटाया जा रहा है, एक्सपंज किया जा रहा है। सो अल्टीमेटली ऑर्डर ने पूरे रूल्स रेगुलेशंस बताए कि अगर किसी मिनिस्टर को कुछ एलिगेशंस लगाने या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरी सरकार है वो क्या है, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो ही पूरे पार्लियामेंट को चला रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है और उनको अगर कुछ एलिगेशंस लगाने हैं या उनको नॉट एलिगेशन बट हाँ हालांकि उनके पास पूरा उसका बेस होना चाहिए, बट अगर उनको कुछ बोलना है, उनको ऐसा लग रहा है कि डिफेमेटरी हो सकता है, तो आप ऑलरेडी उनकी जानकारी उनको दे दीजिए, तो ये बेटर थिंग है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम आज की सिचुएशन देखते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर कोई अपोजिशन लीडर्स अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो उसको हटाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी नहीं जा रही। एंड सेकेंड थिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉट इज अराइजिंग राइट नाउ कि बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि अगर आप डिफेमेटरी मार्क कुछ कर रहे हो या इंक्रीमेंटरी यहाँ पर मार्क कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर कुछ न्यूज सोर्सेज है उनके बेसिस पे आपने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर साइट करी और उसकी वजह से आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो इन द लोकसभा राज्यसभा, वो गलत है। तो ऑर्डर ने यहाँ पर जो आर्टिकल 105 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है, उसकी बात करी। उसके तहत क्या होता है कि यहाँ पे जो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं कि अगर वो किसी खिलाफ कुछ बोल दे तो उसको एज ए एविडेंस हम कोर्ट में यहाँ पर पेश नहीं कर सकते, तो ये कुछ प्रिविलेजेस फॉर राइट ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं, राइट टू स्पीच, उसके तहत यहाँ पर मिलते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऑर्डर ने साइट किए, जहाँ पर ऑर्डर ने बात की कि ऐसा पहले भी हुआ है कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल साइड किए। फर्स्ट इज अबाउट प्रकाश वीर शास्त्री, जिन्होंने कुछ पर्सनल एलिगेशन लगाए थे हुमायूं कबीर, जो पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे। अब यहाँ पे मिनिस्टर ने तो मना कर दिया कि ये सब एलिगेशन गलत है, बट यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने बोला कि मैंने तो ये रिपोर्ट्स कहाँ से देखी, न्यूज़पेपर से देखी। तो न्यूज़पेपर एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ कि एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग या उसमें जो कुछ न्यूज़ है उसके बेसिस पे आप पर्सनल रिमार्क्स अगर किसी के खिलाफ, अगर मिनिस्टर के खिलाफ या किसी भी पर्सन के खिलाफ लगाएंगे, इवन तो आपको पता है कि वो आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपके पास है, तो बट वो गलत है। ये सब पहला एग्जाम्पल साइड किया। अनदर इंसिडेंट ऐसा ही कुछ, वो एक और जो इंसिडेंट ऑर्डर ने साइड किया, दैट इज अबाउट बापू साहेब पारुलेकर जो एमपी थे, उन्होंने क्या किया, एक और जो संडे का एक वीकली एडिशन आता था, तो फॉर्मर जो रेलवे मिनिस्टर थे हमारे देश के, दैट इज केदार पांडे जी, उनके खिलाफ यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाए। तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑर्डर ने बोला कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करें। बट यहाँ पे कुछ एलिगेशन अगर लगाए जा रहे हैं या अल्टीमेटली विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, तो वो तो डेफिनेटली पूछेंगे, बट ये डिफरेंस होना चाहिए कि अगर आप कुछ सवाल अगर पूछें तो आपके उसका बेस रहे, कुछ फैक्ट के बेसिस पे करें। तो इसी वजह से ऑर्डर ने लास्ट में एंडिंग इस तरीके की करी है कि एक डिफरेंस होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ इंक्रीमेटरी है, दैट इज दिस थिंग, आई एम रीडिंग इट आउट, इट इज दस क्लियर दैट बिफोर द वेपन ऑफ एक्सपेंशन इज विल्डेड इट नीड्स टू बी एसर्टेन वेदर द स्पीच कंटेंस डिफेमेटरी और इंक्रीमेटरी स्टेटमेंट्स और ओनली क्रिटिकल कमेंट्स, क्योंकि क्रिटिकल कमेंट्स तो आप कर सकते हो सरकार पे, विच ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक। It also needs to be ensured that the freedom of speech enjoyed by the members in the house is not needlessly curtailed. तो इसका अगर क्रक समझे इस एडिटोरियल का, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे ऑर्डर का कि अगर कोई क्रिटिसाइज करना चाहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर सरकार को तो डेफिनेटली करना चाहिए, बट अगर कुछ ऐसा है डिफेमेटरी मार्क लग रहा है जिसकी वजह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर है उनकी रेपुटेशन को हार्म हो सकता है, तो उसकी जानकारी पहले उनको एक थ्रू नोटिस दे दी जाए कि मैं इस तरीके के रिपोर्ट्स यहाँ पे साइड करने वाला हूँ, ऐसे एलिगेशन लगाने वाला हूँ, ताकि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर बात की जाए आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका यहाँ पर ध्यान रखा जाए। तो ये ऑर्डर का यहाँ पर मानना है कि क्रिटिकल कमेंट्स तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देन एज आई टोल्ड यू टुडे विल बी डिस्कसिंग टू ओपिनियंस एज वेल। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियंस इज ऑनर ऑफ ऑफिस
दोज रिक्वायर्ड टू शन पार्टीजन पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स. सो कल ही हमने हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे गवर्नर्स का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है. नियरली 12 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स को या तो चेंज किया गया या फिर कुछ का यहाँ पर न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ है. सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर कौन आ गए, जो रिसेंटली पिछले ही महीने हमने देखा था, जस्टिस अब्दुल एस नाजीर, जिनका जो टेन्योर है सुप्रीम कोर्ट जज का, वो पिछले महीने समाप्त हुआ. अब जैसे उनका टेन्योर समाप्त हुआ और कल हमने जिस तरीके से नाम देखे, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्योंकि अब्दुल एस नजीर जी को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया. अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसके लिए हमने देखा है ऑन ट्विटर, ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि क्या ये स्टेप सही था बीजेपी गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का, कि जो पर्सन जुडिशरी से रिलेटेड है, जुडिशरी से इतने समय उन्होंने काम किया, काफ़ी जो कॉन्ट्रोवर्शियल हमारे यहाँ पे जजमेंट्स थे, जो डीमोनेटाइजेशन का रिसेंटली जजमेंट आया या उसके पहले जो अयोध्या राम जन्मभूमि का जो वर्डिक्ट आया, उसमें भी ये उस बेंच में भी थे, तो ऐसे में उनको एलिवेट करना एज ए सुप्रीम कोर्ट जज जो फॉर्मर थे और उनको अब गवर्नर बना देना आंध्र प्रदेश का, क्या वो सही है, ऐसा ऑर्डर का यहाँ पर क्वेश्चन है. तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा यही बताया कि ऑनर ऑफ ऑफिस दोज रिक्वायर्ड टू शन पार्टीजन पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स, मतलब ये गलत है. और ऑर्डर ने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दिए और हमने पहले भी देखा कि हमारे यहाँ के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे 2020 में, उनको हमने देखा कि जैसे राज्यसभा का चेयरमैन यहाँ पर नॉमिनेट किया गया. तो ऐसे काफ़ी सारे केसेज होते हैं और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, पिछली सरकारों में भी हमने ऐसा देखा. बट ऑर्डर का यहाँ पर मानना ये है कि अगर ऐसा होगा कि कोई जुडिशियरी का पर्सन है और उसको एलिवेट करते हुए आप अगर कोई अच्छा मेरिट बेसिस पे और आप उसको गवर्नर बना रहे हो, तो बेसिकली एक प्रमोशन है. तो ऐसे में आने वाले समय में जो ऑलरेडी जजेस है उनको भी ये चीज़ पता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सरकार मुझे गवर्नर बना सकती है. तो ये अल्टीमेटली एक सिग्नल है कि इवन जुडिशरी में भी यहाँ पर सरकार अपना हस्तक्षेप कर रही है, ऐसा यहाँ पर ऑर्डर का यहाँ पर मानना है. और इसी वजह से ऑर्डर ने कहा है कि ये जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है जस्टिस अब्दुल एस नज़ीर का, वो गलत है. सो दिस वॉज अबाउट दिस होल ओपिनियन. देन सेकेंड ओपिनियन पढ़ते हैं. Not a pipe dream. Functional tap water is a basic necessity that must be provided to all households. So यहाँ पे ऑर्डर ने बात की है कि जल जीवन मिशन की. जल जीवन मिशन बेसिकली क्या बात करता है कि आपके घर में जो थ्रू टैप वाटर आपको प्रॉपरली वहाँ पर पानी मिले. तो अब सरकार का ऐसा मानना है कि हमने बहुत सारे स्टेट्स में और लगभग ओवरऑल हमारा कवरेज जो है वो मोर देन 80% 90% यहाँ पे हो चुका है और जो टारगेट है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा. बट जो मूलभूत सुविधाएं, अगर ऑर्डर ने ऐसा बोला कि कुछ ही स्टेट्स ऐसे यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, दैट इज़ गोवा, तेलंगाना और कुछ राज्य गुजरात, हरियाणा, तो ये कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 100% ये टैप वाटर यहाँ पर हुआ है, जहाँ पे सभी लोगों को घरों में प्रॉपरली यहाँ पर पानी मिल रहा है. बट ऑर्डर ने यहाँ पर अभी रिसेंटली बजट की बात करी, जिसमें बजट में एक बहुत बड़ा अमाउंट कॉर्पस यहाँ पे इसमें डाला गया, दैट इज जल जीवन मिशन, सो दैट लोगों को एक साफ पानी यहाँ पर मिले, ताकि हाइजीन और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो. बट ऑर्डर ने यहाँ पर एक चीज़ को क्वेश्चन किया है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस में ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सरकार का हो सकता है लोकसभा इलेक्शंस में, इसी वजह से सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करी. बट हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं, राजस्थान हो गया और भी कुछ राज्य ऑर्डर ने यहाँ पर साइड किए, जहाँ पर आज भी रूरल, अगर हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत देखें, टैप वाटर कनेक्शन बहुत कम घरों में हुए. तो जब आप बात करें कि 100% टैप वाटर कनेक्शन आप 2024 तक कर देंगे, तो आज आपकी क्या स्थिति, उसको आप डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान में रखें. इवन ऑर्डर ने एक और चीज़ यहाँ पर बोली है कि जहाँ पे आपने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर दिया और कुछ सर्वेस को भी साइट किया गया, तो वहाँ पे क्या आपको साफ पानी आप दे पा रहे, आपने भले टैप वाटर वहाँ लगा दिया और बट आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बोरवेल के थ्रू या कुएं के थ्रू उस पर डिपेंडेंट है. तो इवन दो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने ये सब चीज़ें कर दी है, आप जल जीवन मिशन के तहत बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से रूरल टैप हाउस होल्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट क्या वो सही डायरेक्शन है कि काफ़ी सारे लोगों का इसका बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा. सो दिस वॉज अबाउट दिस होल ओपिनियन. सो देर सर्टन लीगल अपडेट्स, उनको पढ़ लेते हैं. बेसिकली क्या हुआ है, वरीड अबाउट पेंडिंग ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट सेज अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन. सो यहाँ पे पिछले कुछ समय से हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि व्हाट इज अ टसल विच हैज बीन गोइंग ऑन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव का मानना है कि जिस तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थ्रू कॉलेजियम हो रहे हैं वो गलत है और हम चाहते हैं कि कॉलेजियम में बेसिकली जजेज ही होते हैं, तो अल्टीमेटली वो जज ही जज को अपॉइंट कर रहा है, तो अपने आप में गलत है, ऐसा एग्जीक्यूटिव का मानना है. और जुडिशियल का मानना है कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो, इवन जो सरकार है वो अल्टीमेटली जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में या इवन उसमें भी हस्तक्षेप करेगी, दैट मीन्स आपने जुडिशियरी में भी आपने अपने लोगों को बिठा देंगे. तो ये बेसिकली टसल यहाँ पे चल रहा है और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पिछले एक महीने में देखे, जहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, अभी जो न्यूली अपॉइंटेड जो वाइस चेयरमैन है हमारे, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है और राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़ जी, ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया. तो ये बेसिकली टसल यहाँ पे चल रहा है और जो इवन हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी काफ़ी स्टेटमेंट दिए. अब यहाँ पे क्या हुआ, बीच में यहाँ पे सरकार ने कुछ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को रोक दिया.
बट अब यहाँ पे सरकार, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसेस ये रहता है कि कॉलेजियम रिकमेंड करता है और यूनियन नॉमिनिस्ट्री या तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है. एक्सेप्ट कर देते तो वो बेसिकली जज बन जाते हैं, और रिजेक्ट कर देते तो एक और बार फिर से वापस कॉलेजियम के पास जाता है. और अब जो कॉलेजियम जो भेजता है उसको सरकार को एक्सेप्ट करना ही होता है, ये यहाँ पर ऑलरेडी नोशन यहाँ पर रहता है. तो अभी क्या हुआ है कि पेंडिंग ट्रांसफर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर रोकी जा चुकी है बाय द गवर्नमेंट. और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि सरकार या यूनियन लॉ मिनिस्ट्री अपने हिसाब से, मतलब जिनका पहले अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर नाम आया, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जैसे सौरभ कृपाल जी जो हमारे देश के पहले दिल्ली हाईकोर्ट के ये जज हो सकते थे, उनका अभी तक जो अपॉइंटमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट उनके बाद में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ दैट इज एग्जाम्पल यहाँ पे साइड किया गया, जस्टिस विक्टोरिया गौरी जो मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज उनको बनाया गया, तो उनका अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया. तो बेसिकली ये जो इश्यूज चल रहे हैं कि किसी का अपॉइंटमेंट पहले एक्सेप्ट किया जा रहा है, किसी का नहीं किया जा रहा है, किसी में डिले हो रहा है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट आया दैट इज वरीड अबाउट पेंडिंग ट्रांसफर. सुप्रीम कोर्ट सेज अ लॉट नीड्स टू बी डन, मतलब काफ़ी काम करना अभी बाकी है. देन जस्टिस बिंदलन कुमार टेक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, फिल द लास्ट टू वैकेंसी. सो बेसिकली जो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल स्ट्रेंथ हमारे देश में मैक्सिमम 34 जजेस की हो सकती है, उसमें 33+1 दैट इज CJI जो उनके हेड होते हैं वही हमारे देश में CJI होते हैं. सो अभी यहाँ पर क्या हुआ, कुछ जो रिकमेंडेशंस कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किए थे 5 मेंबर कमेटी ने, तो उनको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया था बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री बिकॉज ऑफ द टसल विच हैज बीन गोइंग ऑन. बट रिसेंटली हमने देखा कि 5 जजेस को यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया और उनको रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया. तो पहले जो स्ट्रेंथ 27 थी वो 32 हो गई, और अब यहाँ पे 2 और जजेस को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया. अब जो ओवरऑल स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है 34, और अब यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट 34 जजेस पे यहाँ पे काम कर रही है, और यहाँ पे जो 2 और जज हैं उनको यहाँ पर ओथ यहाँ पे दिलाई जा रही है बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देन नेक्स्ट न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज एक्सप्रेस वेरीड रिएक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल. सो ये जो हमने फर्स्ट पेज पे न्यूज पढ़ी थी रिगार्डिंग डिलिमिटेशन कि क्या हो रहा है, किस तरीके कैसे डिलिमिटेशन यहाँ पे डिमार्केशन हुआ है बाउंड्रीज का, तो उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एज आई टोल्ड यू कि जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर की, जैसे PDP है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, देन नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनका ऐसा मानना है कि पूरा जो प्रोसेस है वो गलत है और सरकार कहीं ना कहीं BJP आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले, तो उसमें अपना कहीं ना कहीं वोटर बेस बनाने के लिए इसी वजह से जम्मू रीजन में सीट्स बढ़ाई जा रही है और कश्मीर रीजन में एक ही सीट को बढ़ाया गया. तो इस वजह से कुछ जगह हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखा जो यहाँ पे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपहेल्ड कर दी. चलिए एक और न्यूज, सो ये भी अभी जो हमने डिस्कस किया था दैट इज लॉ मिनिस्टर रिजिजू स्कूप्स एट क्रिटिसिज्म ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स सुप्रीम कोर्ट जजेस गवर्नर. सो अभी जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ओपिनियन में कि जस्टिस अब्दुल एस नज़ीर जी को यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया और वो अब आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर होंगे, तो इसी बीच जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस ये जो पर्टिकुलर मूव आया कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उनको रिकमेंड किया अल्टीमेटली वो अब आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनने वाले, तो इस वजह से काफ़ी लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सही स्टेप नहीं है. तो अब यहाँ पे हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला है कि हमने जो है जो रिकमेंडेशन हुआ है बहुत सोच समझ के हुआ है और ये मेरिट बेसिस पे हुआ, मतलब बेसिकली उनका यहाँ पर स्टेटमेंट आया कि ये कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं क्योंकि उनको भेजा नहीं गया या किसी को रिकमेंड नहीं किया गया तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ, बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं है. द होल इकोसिस्टम इज वंस अगेन इन फुल स्विंग ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर. तो ये पूरा इशू यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोला कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम किसी जुडिशियल पर्सन को वहाँ पर हमने भेज दिया या कोई गलत इंटेंशन के साथ, बट यस अगर कोई डिजर्विंग पर्सन है तो हमने बेसिकली बस वोक किया है और जो हमें सही लगा, तो यही चीज यहाँ पर यूनियन लॉ मिनिस्टर जी ने यहाँ पर बोली है. देन फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा मीट्स नेपाल PM इन काठमांडू. सो नेपाल में एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि अभी भी नई सरकार वहाँ पर आई है, जो नए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं दैट इज पुष्प कुमार दहल प्रचंडा जी 2.5 साल के लिए, उसके 2.5 साल के लिए KP शर्मा ओली. तो अभी जो नेपाल में सरकार है वो कम्युनिस्ट सरकार है, और पहले भी हमने देखा और पड़ोसी देश नेपाल का ही चाइना, वहाँ भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो नेपाल का चाइना का काफ़ी रोल है यहाँ पे नेपाल की पॉलिटिक्स में, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. बट हम नेपाल में पहले जो शेर बहादुर देउबा थे उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, अब यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है तो उनके साथ भी हमारे जो टाइज है उनको और बेटर करने की हम कोशिश कर रहे हैं. इन द सेम वे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा, उन्होंने काठमांडू जो विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल वहाँ पर विजिट किया है और वहाँ पर जो उनके लीडर्स हैं उनसे उनकी बातचीत यहाँ पर हुई है. चलिए ऑन द वर्ल्ड सेक्शन, US सेंट ओवर
10 बलून्स इंटू आवर एयर स्पेस सेट बाय चाइना. सो यहाँ पे हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि चाइना की साइड से एक जो बलून है जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि एक सिविलियन वेदर का एक बलून था, वो गलती से बिकॉज ऑफ वेस्टर्न विंड्स वो गलती से यूएस में चले गया. फिर यूएस ने उसको यहाँ पर अपने जो फाइटर जेट के थ्रू यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद कर दिया, उसको बस्ट कर दिया. तो जैसे ही हुआ तो चाइना का स्टेटमेंट था कि ये गलत है और बेसिकली यूएस इज बेसिकली ओवर रिएक्टिंग. तो उसके बाद ऐसे कुछ और बलून्स हमने देखे. कल ही हमने डिस्कस किया था हमारे न्यूज़पेपर में एनालिसिस में कि कनाडा में ही ऐसा कुछ पाया गया और उसको भी शॉट डाउन यूएस ने कर दिया. अब यहाँ पर चाइना की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया. चाइना ने बोला कि यूएस ने इस तरीके के स्पाई बलून्स बेसिकली उसमें सैटेलाइट्स होती है, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूसरी सरकारों को पता चलती है. तो इन द सेम वे ऐसा चाइना के द्वारा स्टेटमेंट आया कि यूएस हैज सेंट ओवर 10 बलून्स इनटू आवर एयर स्पेस, कि हमारा तो ये गलती से चले गए यहाँ पर बलून. बट यूएस ने पहले लगभग 10 बार इस तरीके के बलून्स हमारे एयर स्पेस में यहाँ पर भेजे और हमारे यहाँ की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं गैदर करने की कोशिश यहाँ पर करी है. सो ये एलिगेशन यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट ने ये लगाए हैं किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर. देन टर्की सीरिया क्वेक टोल क्रॉसेस 35,000. सो हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है कि डेथ टोल जो है टर्की में एक बहुत बड़ा यहाँ पर अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 मैग्नीट्यूड का रिस्टर स्केल पे, जो अपने आप में बहुत डेडली है. 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स यहाँ पर गिर गई है और लगभग 35,000 से ज़्यादा डेथ यहाँ पर हो गई. बट इंडिया बींग ए नेबरिंग कंट्री, दो नॉट अ नेबरिंग कंट्री बट दो आवर रिलेशन आर नॉट सो गुड विद टर्की, बट फिर भी हमने जिस तरीके से यहाँ पर अंडर ऑपरेशन दोस्त अभी तक हमने 7 हमारे C-17 एयरक्राफ्ट जो है ग्लोब मास्टर के वो ऑलरेडी पर भेज दिए और हर तरफ से हम मदद कर रहे हैं. एनडीआरएफ की टीम हमने भेज दी है, मेडिकल स्टाफ भेज दिए, इवन हमने हमारे कुछ ड्रोन्स भी भेजे सो दैट जो हमारे जो टर्की में जो लोग दबे हैं नीचे थ्रू ड्रोन्स बहुत इजीली उनको डिटेक्ट कर लिया जा सके. रिसेंटली हमने कुछ न्यूज़ देखा कि एक 6 साल की छोटी सी बच्ची है जिनका जो वीडियो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ट्वीट किया कि उनको हमारी किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने एक 6 साल की छोटी सी बच्ची को यहाँ पर बचाया जो मलबे में दबी थी. तो इससे डायरेक्टली दिखता है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर हेल्प कर रहा है. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने हमेशा से देखा कि किसी भी देश में इस तरीके की आपदा आती है तो इंडिया वहाँ पर हेल्प करता ही है. बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दैट, पाकिस्तान चाइना वो अलग बात है. बट बेसिकली यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, टर्की की. और टर्की में अब यहाँ पर जो सीरिया में जो अर्थक्वेक है इसकी वजह से मोर देन 35,000 की डेथ यहाँ पर हुई है और कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो डेथ टोल है आने वाले समय में 1 लाख तक भी पहुँच सकता है, ये ऐसा यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स बता रही है. देन अनदर न्यूज, सऊदी अरेबिया टू सेंड इट्स फर्स्ट वुमेन टू स्पेस. सो यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने यह अनाउंस किया है कि रायना बर्नावी उनको यहाँ पर इसी साल जो उनका एक स्पेस मिशन है उनको यहाँ उसमें भेजा जाएगा अलॉन्ग विथ अनदर मेल पर्सन एस्ट्रोनॉट बाय द नेम अली अल करनी, उनके साथ उनमें भेजा जाएगा. और अल्टीमेटली उससे सऊदी अरेबिया अब कहीं ना कहीं जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है हर सेक्टर में उसको बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है. एंड दैट डेफिनेटली इज अ सिग्नल. और हमें अगर 1 मार्क में ऐसा इस तरीके क्वेश्चन आता है कि सऊदी अरेबिया की किस वुमेन को अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो करेक्ट आंसर इज याना बर्नावी. ठीक है. सो हिरन आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.